मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली विधानसभा चुनाव के संबंध में कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी के चलते 22 जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर में एक सभा को संबोधित करेंगी। सभा की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचकर जनसभा को सफल बनाने की अपील की। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 22 जुलाई को ग्वालियर आएंगी प्रियंका गांधी, जनसभा को संबोधित करेंगी राष्ट्रीय महासचिव, विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे अशोकनगर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जयवर्धन सिंह ने ली बैठक। दरअसल ग्वालियर चंबल इलाके पर कांग्रेस का खास फोकस नजर आ रहा है और इसी के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस सभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मैदान संभाल लिया है, जिन्होंने अशोकनगर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और क्या कुछ कहा जरा आप खुद ही सुनिए। तो उसी संबंध में आज अशोकनगर ने बैठक ली थी कि किस प्रकार से सभी की इच्छा भी है, चाहे हम बात करें मुंगावली विधानसभा की, चंदेरी विधानसभा की, अशोकनगर की, कि सब लोग चाहते हैं कि जो सभा प्रियंका जी की हो रही है ग्वालियर में, सब लोग वहाँ तक पहुँचे, उनकी बातों जो वो रखेंगी अपने सामने उनको सुने। कल ही हमारी बैठक गुना में भी हुई थी, वहाँ भी लगभग 600 गाड़ियाँ गुना से भी जा रही हैं। अनेक हमारे सिर्फ नेता कार्यकर्ता नहीं, आम लोग भी हैं, आम जनता भी अधिक संख्या में वहाँ पे पहुँचेगी और हमें पूरा विश्वास है कि अशोकनगर से भी जन सैलाब एकत्रित होगा ग्वालियर में उस दिन। और मेरे अनुसार शायद अब तक पूरे प्रदेश के सबसे इतिहास में सबसे बड़ी सभा होगी ग्वालियर में 21 तारीख को। जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर चंबल इलाके में नगरीय निकाय चुनाव पर मिली जीत पर भी उत्साह जाहिर किया और आने वाले वक्त में पूरे इलाके में कांग्रेस की जीत का दावा पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अशोकनगर।